नमस्कार, मैं मनीष, स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आर आर बी जेई में कंपटीशन कम है, ये कैसे प्रूव होगा? क्योंकि देखिए, मैंने जब आपके CBT 2 के लिए कट ऑफ बताए थे कि इतना से ज़्यादा नहीं जा सकता है, तो बहुत सारे फैक्टर को मैंने इंक्लूड किया था। आप लोग देखते हैं कि कंपटीशन हाई है, इतने वैकेंसी भरे गए हैं, सॉरी, इतने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, इतना कम सीट है, तो इसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। लेकिन आप क्वालिटी को नहीं जान पाते हैं कि क्वालिटी क्या है, बच्चों में कितनी क्वालिटी है, कितने बच्चे ऐसे भरे हैं जिनकी क्वालिटी बिलो पार है या एवव पार है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक RTI दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे ये आपको पता चल जाएगा कि इसमें कंपटीशन क्यों कम। मैंने बताया था कि NTPC हो या और भी जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके अपेक्षा इसमें कंपटीशन है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें बच्चे ही काफ़ी कम अप्लाई किए हैं। ऑब्वियस है, डिग्री नहीं है तो कैसे अप्लाई करेंगे, और जो किए हैं उसमें कितने की क्वालिटी है, कितने लोग पढ़ने वाले हैं और कितने जॉब करने वाले हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाते होंगे, पढ़ाई करते होंगे तो 1-2 घंटा करते होंगे, और आपको तो पता है कि टेक्निकल ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप 1-2 घंटा पढ़ के तो निपटा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मैं RTI पे आ जाता हूँ कि आप देखिए, ये RTI से क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि SSC में जूनियर इंजीनियर के लिए कितने लोग ने अप्लाई किया है 2018 के फॉर्म में, ठीक है, जिसका अभी भी एग्ज़ाम होना बाकी है। आया है रिप्लाई, वो 8/7 का 2019 का रिप्लाई आया है, यानी कि अभी से 10 दिन पहले, आप मान सकते हैं कि 10 दिन पहले इनका रिप्लाई आया है। इसमें इन्होंने बताया है कि एज फॉर रिकॉर्ड टोटल कम्प्लीटेड अप्लीकेशन फॉर्म रिसिव्ड इन जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम 2018 टू 8,13,622। यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए इसमें कितने अप्लाई किए हैं, 8,13,000, आप मान के चलिए कि 8 लाख। उसमें से भी 30% बच्चे तो नहीं ही जाते हैं, अटेंड ही नहीं करते हैं एग्ज़ाम। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि इफ़ेक्टिव CBT 1 में ही, SSC की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इफ़ेक्टिव तकरीबन 7 लाख के तकरीबन जाएंगे, या 6.5 लाख के तकरीबन इफ़ेक्टिव CBT 1 में जाएंगे। तो देखिए, CBT 1 में यानी कि SSC में जब इतना कम कंपटीशन है, तो रेलवे में कंपटीशन क्यों बढ़ गई, 22 लाख यहाँ पे कैसे अप्लाई हुए, तो इसके पीछे का मैं रीज़न समझाता हूँ। एक्चुअली क्या है कि रेलवे में वैकेंसी इतना पहली बार ज़्यादा आया है जूनियर इंजीनियर के लिए, पहले इतना नहीं आते थे, 500 आते थे, 600 आते थे, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ 500-600, इस बार तकरीबन 12,500 या 12,500 के तकरीबन आया हुआ है। तो देखिए, क्या होता है कि इसके जो सिलेबस हैं, CBT 1 के सिलेबस हैं, वो नॉन टेक के भी सिलेबस थे, तो जिसकी वजह से जो सीरियस कैंडिडेट नहीं थे जूनियर इंजीनियर के लिए, वो भी इसमें अप्लाई कर दिए, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ गया। और इसमें एक ब्रांच और भी इंक्लूड कर दिया गया, CMA वाला, यानी कि जो BSc करके रखे हैं उनके लिए भी, तो वो सभी मिलके भीड़ को बढ़ा दिए। सीट कितना है उनके लिए, तकरीबन 250 से ज़्यादा नहीं है, मुझे लग रहा है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो इतना सीट के लिए कितना बढ़ गया, तकरीबन 8 लाख से कितना हो गया, 22 लाख। यानी कि पढ़ने वाले, यानी सीरियस बंदे जो कि अप्लाई करते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, वो तो तकरीबन 8 ही लाख होते हैं, और उसमें भी एग्ज़ाम कम देने जाते हैं। तो इसकी वजह से जो रेलवे में भी इफ़ेक्टिव लोग हैं, इफ़ेक्टिव पढ़ने वाले लोग हैं, वो यही सब बंदे हैं। बाकी जो है वो CMA वाले, BSc जो कर रखे हैं वो हैं, और ऐसे ही जो भी कोई कंपनी में काम कर रहे हैं वो अप्लाई कर दिए हैं। तो वो भीड़ तो वैसे ही छट गई, बिना पढ़े ही वो छट गई, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है, जॉब करते हैं, ऑब्वियस नहीं पढ़ पाए होंगे। तो देखिए, 8 लाख जो इफ़ेक्टिव लोग हैं, जो कि जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन करते हैं, वहीं RRB JEE में भी करे होंगे। अब जो जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि टेक्निकल सेक्शन का प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका नॉन टेक कमज़ोर होता है, और रेलवे में पहला पेपर नॉन टेक था, तो जिसकी वजह से वो और भी छट गए होंगे, जो कि JEE का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वो छट गए, जिसकी वजह से और भी कंपटीशन लेवल है वो नीचे चला गया है। यही मैं शुरू से आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कंपटीशन लेवल काफ़ी कम है, तकरीबन 12,000 वैकेंसी को भी आप लोग कहते हैं काफ़ी कम वैकेंसी है। भाई, जब आपके सीनियर लोग फॉर्म अप्लाई करते थे, तब उनसे पूछिएगा कि कितना वैकेंसी निकलता था, 200-400 वैकेंसी निकलता था, इस बार तो 12,000 वैकेंसी निकला हुआ है जूनियर इंजीनियर के लिए, तो ये काफ़ी कम नहीं है, ये मैक्सिमम है। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज़्यादा कभी वैकेंसी आएगी जूनियर इंजीनियर के लिए, एकदम से आप
कहिए कि काफ़ी कम कंपटीशन है पिछली बार की अपेक्षा, पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ करता था। तो यही मैं बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन लेवल कम है, आप थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी हाई कट ऑफ जाएगा, आपने टेक्निकल नहीं पढ़ा है तो आपका नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है जेई बनने के लिए। आप देखेंगे कि एसएससी में कितना निकला हुआ है, तकरीबन 1 से 1.5 हज़ार ऑल इंडिया में, ठीक है, 1 से 1.5 हज़ार आप समझ सकते हैं कि एसएससी निकाला हुआ है, उसके तकरीबन 10 गुना ज़्यादा निकाला हुआ है। आरआरबी जेई ने उससे एसएससी से 10 गुना ज़्यादा सीटें निकाल रखी है, तो इस वजह से। और आप एसएससी का कट ऑफ भी देखेंगे तो उतना भी हाई नहीं जाता है जितना कि आप स्कोर नहीं करेंगे, तो यानी कि थोड़ा तो कम इसमें कट ऑफ जाएगा क्योंकि उससे 10 गुना वैकेंसी है। तो बहुत सारे फैक्टर को मिला के मैं ये वीडियो बनाया हूँ, और मैं बार बार समझाता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत सारे फैक्टर को इंक्लूड करके बनाता हूँ। आप एक फैक्टर को इंक्लूड करके कमेंट कर देते हैं कि इतनी कम वैकेंसी है, इतना ज़्यादा फाइट मार्केट में हो गया है, आप हर चीज़ को देखते नहीं हैं। जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ बहुत सारे चीज़ों को एनालाइज करके बताता हूँ, आप इस आरटीआई के थ्रू भी देख सकते हैं कि एक्चुअल में कितने बंदे होते हैं जो जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।